hope you all are fine. Now start our class. So are you ready, kids? Which date is today? 17 October 2020. Which day is today? Saturday. Spelling of Saturday: S-A-T-U-R-D-A-Y. Saturday. Our subject is English A. क्लास वर्क पेज नंबर 43 इंग्लिश ए की बुक में आपका क्लास वर्क पेज नंबर 43 टुडेस टॉपिक राइट वी आज का हमारा टॉपिक कौन सा है राइट वी लेटर ओके किड्स वी फॉर वास वी फॉर वास टेल मी किड्स वी फॉर वास आज हम कौन सा लेटर लिखेंगे वी इंग्लिश ए ओपन बुक पेज नंबर 43 इन क्लास वर्क आपका आज का क्लास वर्क पेज नंबर 43 ओके किड्स वी फॉर वास टेल मी किड्स वी फॉर वास ट्रेस एंड राइट द लेटर वी आपको यहाँ पे लेटर वी को ट्रेस करना है ओके किड्स रेड टू ब्लू लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन को ऊपर रेड लाइन को टच करना है वी फॉर वास ओके किड्स लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन वी फॉर वास एंड आपको यहाँ पे ट्रेस करना है एंड आपको यहाँ पे विदाउट डॉट खुद से बनाना है ओके किड्स ये आपका आज का क्लास वर्क है एंड टूडेज होमवर्क पेज नंबर 44 इन होमवर्क ट्रेस एंड राइट आपको यहाँ पे ट्रेस करना है एंड आपको यहाँ पे विदाउट डाउट खुद से बनाना है ओके किड्स सो किड्स राइट विथ मी आज का हमारा टॉपिक कौन सा है राइट वी टुडेस टॉपिक राइट वी आज हम कौन सा लेटर लिखेंगे राइट वी ट्रेस विथ मी आपको मेरे साथ साथ ट्रेस करना है रेड टू ब्लू लाइन हमें रेड टू ब्लू लाइन से बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास बी फॉर वास भी होता है बी फॉर वायोलिन भी होता है बी फॉर वन भी होता है ओके किड्स लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन को ऊपर रेड लाइन से टच करेंगे बी फॉर वायोलिन बी फॉर वायोलिन भी होता है बी फॉर वास भी होता है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन को रेड लाइन से टच करेंगे बी फॉर वायोलिन एंड नेक्स्ट सेकेंड लाइन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वायोलिन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास बी फॉर वास भी होता है बी फॉर वायोलिन भी होता है बी फॉर मान भी होता है ओके किड्स लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वायोलिन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास बी फॉर वायोलिन एंड थर्ड लाइन में भी हमको ट्रेस करना है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वायोलिन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वायोलिन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वायोलिन विच लेटर इज दिस हमने कौन सा लेटर बनाया बी फॉर वायोलिन बी फॉर वास लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास एंड आपको यहाँ पे विदाउट डॉट खुद से बनाना है यहाँ पे आपको ट्रेस नहीं करना है आपको खुद से बनाना है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बी फॉर वास बी फॉर वास भी होता है बी फॉर वायोलिन भी होता है आपको यहाँ से रेड लाइन से टच करना है और ब्लू लाइन तक ले जाना है ओके किड्स
रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ब्लू लाइन को नीचे टच करेंगे, राइट स्लैंटिंग लाइन, वी वी फॉर वायोलिन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, वी वी फॉर वाल्स, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, वी फॉर वायोलिन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, वी वी फॉर बास भी होता है, वी फॉर वायोलिन भी होता है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, वी वी फॉर बास, एंड लास्ट लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, वी वी फॉर बास, वी फॉर वायोलिन, विच लेटर इज दिस, आज हमने कौन सा लेटर बनाया, टेल मी किड्स, यस B, B for violin, B for bass. Left slanting line, right slanting line. B, B for violin, B for one, B for bass. Left slanting line, right slanting line. B for violin. Left slanting line, right slanting line. B for bass. Left slanting line, right slanting line, B for violin. Which letter is this? ये कौन सा letter है? Tell me kids. Yes, B, B for violin, B for bass. And next last, left slanting line, right slanting line, B, B for bass, B for violin. आज हमने कौन सा letter बनाया? B, B for bass. टुडेज होमवर्क इंग्लिश ए पेज नंबर 24. आज का आपका होमवर्क इंग्लिश ए की बुक में पेज नंबर 44 है. राइट वी. ओके किड्स, बाय बाय.